हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन. ओके बेटा, टेक केयर फॉर दिस कोरोना पेंडेमिक. ओके, बी स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके बेटा, तो चलिए जो है हम लोग आज चैप्टर 4 दैट इज गेम, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, गेम्स के बारे में. वी ऑल प्ले गेम्स एट होम एंड इन स्कूल. प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ. सम गेम्स आर प्लेड इंडोर एंड सम आर प्लेड आउटडोर. ओके बेटा, देखिए हम सभी अपने घरों में और अपने स्कूल्स में हम लोग गेम खेलते हैं, कोई ना कोई गेम हम लोग खेलते हैं. प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, और ये जो प्लेइंग होती है बेटा, यानी हम खेल खेलना, जो हम खेल खेलते हैं, ये जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही गुड होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. सम गेम्स आर प्लेड इंडोर एंड सम आर प्लेड आउटडोर. ये कुछ गेम्स जो होते हैं वो इंडोर खेले जाते हैं, ठीक है, और कुछ आउटडोर खेले जाते हैं. द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स लाइज इन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड टाइप ऑफ एक्टिविटी डन ड्यूरिंग प्लेइंग गेम्स. ओके बेटा, तो ये जो इंडोर और आउटडोर गेम्स हैं, ये एनवायरनमेंट के टाइप पर और एक्टिविटी के टाइप पर डिपेंड करते हैं. आउटडोर गेम्स आर यूजुअली प्लेड इन एन ओपन स्पेस, पार्क और फील्ड, वाइल इंडोर गेम्स आर यूजुअली प्लेड अंडर ए रूफ इन ए बिल्डिंग. तो बेटा, आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो ओपन स्पेस में, पार्क में या किसी फील्ड में खेले जाते हैं, ग्राउंड में खेले जाते हैं, जबकि इंडोर गेम्स जो होते हैं वो किसी बिल्डिंग में, किसी कमरे में खेले जाते हैं. तो आज पहले हम लोग इंडोर गेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं. इंडोर गेम्स आर ए वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स ऑफ कंपिटिटिव फिजिकल एक्टिविटी. इंडोर गेम्स आर टिपिकली प्लेड आइदर इन द होम आर इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इंडोर फैसिलिटीज. टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बाउलिंग, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, कार्ड्स प्लेइंग, जूडो एट्सेट्रा आर इंडोर गेम्स. इसमें देखिए बेटा, इंडोर गेम्स जो है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी को, ठीक है, कंपटीट करने के लिए, यानी एक दूसरे से प्रतियोगिता करने के लिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बनाए गए होते हैं. इंडोर गेम्स जो है वो किसी घर में या स्पेशल टाइप्स के बनाए गए इंडोर फैसिलिटीज़ में खेले जाते हैं, ठीक है. जैसे बेटा हम लोग जिम में जाते हैं या किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंडोर गेम्स खेलने की फैसिलिटी रहती है, ठीक है. तो इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉलिंग और कैरम बोर्ड, लूडो, चेस और कार्ड्स आते हैं, जो लोग खेलते हैं इन्हें हम इंडोर गेम्स कहते हैं. अब यहाँ पे आप फोटो में देखिए, टेबल टेनिस है आपका, बैडमिंटन है, बाउलिंग है, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस और कार्ड्स, यानी इसको हम ताश कहते हैं बेटा, ताश, प्लेइंग कार्ड्स को हम ताश खेलना कहते हैं. और जूडो का भी फिगर बना हुआ है, ठीक है. तो आउटडोर गेम्स के बारे में अब हम लोग बात करें. Outdoor games are also a variety of structured forms of competitive physical activities. ठीक है ना, outdoor games भी physical activities को compete करने के लिए structured किए गए रहते हैं, बनाए गए रहते हैं. Outdoor games are typically played in specially built outdoor facilities like stadium, fields, lawns, courts and प्लेग्राउंड्स एट्सेट्रा. और ये आउटडोर गेम्स भी बेटा स्पेशली बनाए गए रहते हैं आउटडोर फैसिलिटीज़ के द्वारा, जैसे स्टेडियम हो गया, फील्ड हो गए,
लॉन, कोर्ट या प्लेग्राउंड में खेले जाते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल एट्सेट्रा आर आउटडोर गेम्स। ओके, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉकी है, फुटबॉल है, और क्या है, क्रिकेट, गोल्फ, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल, ये सब क्या है, आउटडोर गेम्स। ठीक, हम लोग फैक्ट टू नो पढ़ेंगे अब। द लॉन्गेस्ट टेनिस मैच टुक प्लेस एट विंबलडन 2010 व्हेन जॉन इस्नर ऑफ द यूएस बीट निकोलस महुत ऑफ फ्रांस इन ए मैच विच लास्टेड फॉर 11 आवर्स एंड 5 मिनट्स। बेटा टेबल टेनिस जो टेनिस मैच है उसका वो लॉन्गेस्ट मैच जो था वो विंबलडन 2010 में था, जहाँ पर यूएस के जॉन इस्नर ने फ्रांस के निकोलस माहुत को डिफीट किया था, यानी उसको हरा दिया था। ठीक है, और जो गेम जो है बेटा वो 11 आवर्स 5 मिनट्स तक चला। ठीक है ना, तो 11 घंटे और 5 मिनट तक ये खेल सब चलने वाला सबसे लंबा टेनिस गेम था। ठीक है, तो बेटा आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।